हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक मैथ से है, मेंसुरेशन चैप्टर के आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं और जो क्वेश्चन है वो प्रिज्म से है। ठीक है, तो आज प्रिज्म चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन लेंगे। इससे पहले जो हमने मेंसुरेशन के चैप्टर बनाए उनमें हमने सभी जो आकृतियाँ हैं सभी शेप्स की फार्मूले हम ले चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे वो भी प्रिज्म से संबंधित। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी प्रिज्म का आधार एक समलंब है और समलंब की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हैं तथा उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी हुई है। यदि प्रिज्म का आयतन 1056 सेंटीमीटर क्यूब हो तब प्रिज्म की ऊंचाई पूछी गई है, उसका आयतन दिया गया है। तो हम आयतन का फार्मूला लिख लेते हैं पहले कि आयतन का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू ऊंचाई हाइट, ये होता है आयतन का फार्मूला। और हमसे ऊंचाई पूछी गई यानी कि हाइट की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम दिया हुआ है यानी कि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एओबी एरिया ऑफ बेस। तो बेस में है क्या, बेस में एक समलंब है, तो समलंब का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जिससे कि हम ऊंचाई की वैल्यू निकाल सकें। तो समलंब का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या दी हुई हैं, एक है 8 सेंटीमीटर एक है 14 सेंटीमीटर, तो 8 प्लस 14 हम कर लेंगे तो क्या होता है एरिया ऑफ बेस निकाल रहे हैं हम यहाँ किसका, समलंब का। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो दूरी क्या दी हुई समांतर भुजाओं के बीच की, 8 सेंटीमीटर, तो इंटू 8 कर देंगे। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, ये 4 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे ये आएगा, ऐड कर देंगे तो 22 इंटू 4 तो वैल्यू आ जाएगी 88। ये हो गया हमारा ए ओ बी की वैल्यू आ गई 88। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस आ गया, तो एरिया ऑफ बेस रख देंगे और वॉल्यूम रख देंगे, तो वॉल्यूम क्या था हमारा 1056 इक्वल टू एरिया ऑफ बेस कितना है 88 और हमें चाहिए क्या हाइट, तो हाइट इक्वल इसको इधर कर देंगे 3x गुणा अपॉन में आ जाएगा इधर 1056 अपॉन 88 डिवाइड कर लेंगे 11 से 8 आएगा 96 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह जाएगी हमारी हाइट किसकी, प्रिज्म की हाइट हमसे पूछी गई थी। तो बस आपको फार्मूले याद हो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो यह था फर्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी प्रिज्म का आधार त्रिभुज है एक, ठीक है बेस में त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई हैं। अगर प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का हम फार्मूला लिख लेते हैं प्रिज्म का। तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू फार्मूला होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस होता है 2 इंटू एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल, आधार में जो भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमें आधार का क्षेत्रफल चाहिए, आधार पे आकृति कौन सी है, आधार है एक त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है तो इससे हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें चाहिए लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो यानी कि लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है क्या लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा प्लस क्या है 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो हम एक एक चीज करके निकाल लेते हैं। तो पहले क्या है कि ये पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि परिमाप, जो आधार पर जो आकृति है उसका परिमाप। तो आधार में आकृति कौन सी है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15, तो परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे ये हो जाएगा 9 प्लस 12 21 15 36 सेंटीमीटर हो जाएगा इंटू ऊंचाई कितनी दी हुई प्रिज्म की 5 सेंटीमीटर 5 रख देंगे प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस एरिया में क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं 9 12 और 15, ये क्या है, ये ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज का, 9 और 12 के साथ 15 का ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो जब भी समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनता है
यानी कि एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा जिसका आधार 9, 12 और 15 ये भुजाएं दी हुई हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू लंब। तो आधार कितना है? 9 × लंब 12 रख देंगे और आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं तो क्या 5 का मल्टीप्लाई करने की देख लीजिए, 5 से जब मल्टीप्लाई करना हो तो हम संख्या को जस्ट हाफ कर देंगे और एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जस्ट जिस भी संख्या में 5 का मल्टीप्लाई करना हो संख्या को हाफ कर लीजिए और एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 180 आ जाएगा, 36 × 5 प्लस यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 108। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यही टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया था प्रिज्म का। तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। तो यहाँ सिंपल था, एक आधार पे त्रिभुज दिया हुआ था तो हमें त्रिभुज का उस क्षेत्रफल ट्रायंगल का क्षेत्रफल हमें निकालना था, और जो ट्रायंगल दिया हुआ था उसकी भुजाएं 9, 12 और 15 थी जिससे कि एक संपूर्ण त्रिभुज बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि ट्रिपलेट होते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए जो कि एग्जाम में फंसते रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमने इसका इसका क्षेत्रफल निकाल लिया बेस का, और पेरीमीटर ऑफ बेस भी चाहिए थी, वो भी हमने सभी भुजाओं का योग होता है निकाल के हमने जस्ट कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लिया। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है, आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर सकते हैं इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जस्ट फार्मूला होता है, फार्मूला तो कोई भी रट सकता है, फार्मूला मेथड तो तैयार ही होता है सबको। तो आप कितनी जल्दी इसका जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं उसी से आप आगे हो जाएंगे। अगर आप कैलकुलेट जल्दी करके आंसर निकाल लेते हैं तो आप आगे हैं, क्योंकि इसमें कोई फार्मूले के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये था सेकेंड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर है हमारे पास, किसी 15 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज जिसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को आधार मानते हुए एक प्रिज्म है। यानी कि प्रिज्म का आधार क्या है? एक त्रिभुज है जिसकी जिसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या दी हुई है को आधार मानते हुए एक प्रिज्म है। यदि प्रिज्म का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है तब उसकी प्रिज्म की ऊंचाई पूछ रहा है। तो जस्ट हम वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेंगे, यानी कि आयतन इक्वल टू क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और यानी कि हमें चाहिए क्या? एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल जस्ट चाहिए। तो आधार में है क्या? आधार में आकृति हमारे पास एक त्रिभुज, और त्रिभुज का क्या दिया हुआ है? जो त्रिभुज है हमारे पास उसका पेरीमीटर दिया हुआ है यानी कि परिमाप दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि इन रेडियस जो स्मॉल आर दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए क्या? इसका क्षेत्रफल चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें एरिया ऑफ बेस रखना है यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज में स्मॉल आर यानी कि इन रेडियस अंतः त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस, ठीक है, जहाँ एस क्या है? सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, और डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमें चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस इसको ले लें तो अपॉन सेमी पेरीमीटर हमें रखना है। सेमी पेरीमीटर कितना दिया? 15। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 15/2, क्योंकि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 15/2। तो यहाँ रख देंगे हम एस की वैल्यू 15/2, और आर स्मॉल आर की वैल्यू क्या दी हुई है? अंतः त्रिज्या इन रेडियस 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से एरिया ऑफ बेस यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा? इसको हम मल्टीप्लाई करा दें इधर, तो 3 × 15/2 आ जाएगा 45/2, ठीक है। यहाँ से हमें AOB एरिया ऑफ बेस आ गया, यानी कि बेस में जो ट्रायंगल था उसका जो है एरिया आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम रख देते हैं सभी की वैल्यूज। तो प्रिज्म का आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 270 इक्वल टू एरिया ऑफ बेस कितना निकला? 15/2 निकला इंटू एच। एच की वैल्यू हमें चाहिए, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 270 × 2 अपॉन हो जाएगा 45। अभी 45 से हमें डिवाइड करना है, तो आप जस्ट इकाई का अंक छोड़िए और यहाँ भी इकाई का छोड़िए और 4 से डिवाइड कीजिए, तो कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा। 7 टाइम्स तो 28 होता है, 6 टाइम्स, तो जाहिर सी बात 6 टाइम में कट जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन देखिए अगर ऑप्शन में दशमलव में नहीं आ रहा है
प्राकृतिक संख्या आ रही है, तो इसका मतलब पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा जब कटेगा तो जस्ट ऐसे ही चेक करिए। और जब हमें पता है कि सिक्स टाइम जा रहा है, सिक्स टाइम एक बार आप चेक भी करेंगे तो उतना ही आएगा, 6 × 5 = 30, 0, 6 × 4 = 24, 3 = 27 आ जाएगा, यानी 6 टाइम्स जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, h = 12 सेंटीमीटर। यही पूछा गया था हमसे प्रिज्म की हाइट, तो हाइट ऑफ द प्रिज्म कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ बस हमें यहाँ से जो आधार में ट्रायंगल दिया हुआ था उसकी पेरीमीटर और इन रेडियस दी हुई थी, जिससे कि हमने एरिया निकाल लिया उस ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया के लिए हमने ये फार्मूला लगाया कि इन रेडियस इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। फार्मूला लगा के हमने एरिया ऑफ बेस यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, जो कि बेस था एक प्रिज्म का। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस आ गया प्रिज्म का, तो हमने फार्मूले में रख लिया, वॉल्यूम इक्वल टू जो फार्मूला था वहाँ पे रख के हमने हाइट की वैल्यू निकाल ली, तो हाइट हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर है हमारे पास, एक प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी लंबवत भुजाएं यानी कि लंब जो होता है समकोण त्रिभुज जो भी होगा उसकी लंबवत भुजाएं का मतलब जो लंब पर जो भुजाएं होगी ये दोनों, इन दो भुजाओं की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और प्रिज्म की ऊंचाई दी हुई है, हाइट दी हुई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। प्रिज्म का घनत्व दिया हुआ है, डेंसिटी 6 g/cm³। ठीक है, तो प्रिज्म का भार पूछ रहा है, तो हमें वेट चाहिए किसका, प्रिज्म का। तो वेट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं, वेट इक्वल टू होता है वॉल्यूम आयतन इंटू घनत्व, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, हमें वेट चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए वेट के लिए, डेंसिटी, डेंसिटी हमारी दी हुई है 6 g/cm³, डेंसिटी हमारी दी हुई है। वॉल्यूम हमें चाहिए किसका, इसी प्रिज्म का, जिसका भार हमसे पूछा गया है, तो वॉल्यूम हम पहले निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट यहाँ पे दी हुई है 20 cm², तो एरिया ऑफ बेस चाहिए, तो एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा, एरिया यानी कि बेस में दिया क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण वाली दोनों भुजाएं दी हुई है, यानी कि आधार और लंब दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालने में इन्हीं दोनों भुजाओं का यूज होता है, तो कांडा में निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम एरिया ऑफ बेस निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब, तो आधार 10 है, लंब 12 है, इंटू ऊंचाई 20 दी हुई है, तो ऊंचाई रख देंगे। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे, जब भी डिवाइड करना हो तो ऐसी संख्या को कभी डिवाइड ना करें जिनमें जीरो हो, क्योंकि उनसे मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 × 60 और 6 × 1200 यानी कि 1200, ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया प्रिज्म का आयतन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए प्रिज्म का, तो प्रिज्म का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वेट इक्वल टू वी इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है, तो वॉल्यूम क्या निकला, 1200 cm³ इंटू डेंसिटी क्या है, 6 g/cm³, तो 6 से मल्टीप्लाई, डेंसिटी दी हुई है, तो वेट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएं तो 7200 g आएगा, क्योंकि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था हमारी डेंसिटी, तो ग्राम आएगा। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.2 kg आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वेट किसका, प्रिज्म का। प्रिज्म का वेट हमसे पूछा गया था, जो कि आ गया 7.2 kg। तो यहाँ वेट पूछा गया था हमसे प्रिज्म का, तो वेट इक्वल टू फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो हमें डेंसिटी दी हुई थी, वॉल्यूम की वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने वॉल्यूम यानी कि आयतन निकाला, तो आयतन का फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार में जो आकृति थी यानी कि जो शेप थी वो था एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का हमने एरिया निकाल लिया और ऊंचाई से मल्टीप्लाई करा दिया, तो वॉल्यूम आ गया यानी कि आयतन आ गया प्रिज्म का, प्रिज्म का आयतन आ गया। तो यहाँ पे फार्मूले में रख दिया वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इस फार्मूले में रख के हमने वेट निकाल लिया, तो ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया, वेट आ गया हमारे प्रिज्म का 7.2 kg। तो ये था फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइव नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, किसी प्रिज्म का आधार चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ABCD है बेस,
ठीक है, एक प्रिज्म का जिसकी भुजाएं दिया गया है ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी, सी डी और डी ए, यानी कि चारों भुजाओं की वैल्यू हमको दी गई है, और कोण डी ए बी भी दिया गया है इसी चतुर्भुज में 90 डिग्री। यदि प्रिज्म का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म दिया गया है, प्रिज्म का आयतन 2070 सेंटीमीटर क्यूब है, तब प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ हमसे पूछा गया है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। यानी कि अगर पार्श्व पृष्ठ पूछा गया है तो पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू ऊंचाई, हाइट। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या चाहिए? आधार का परिमाप चाहिए प्लस हाइट चाहिए। तो आधार का परिमाप तो सिंपली निकालाएगा क्योंकि चारों भुजाएं जो हैं चतुर्भुज की दी हुई हैं। तो पेरीमीटर क्या होती है? चारों भुजाओं का योग। तो परिमाप तो आ जाएगा, लेकिन हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट कहाँ से लाएंगे? हमें वॉल्यूम यानी कि आयतन दिया हुआ है प्रिज्म का, यहाँ से हमें हाइट फाइंड आउट करनी होगी। तो वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? आयतन इक्वल टू होता है आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू ऊंचाई, हाइट। तो यहाँ हमें क्या चाहिए? तो यहाँ हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम से हम हाइट की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है। एरिया ऑफ बेस हमें निकालना होगा, यानी कि बेस में जो चतुर्भुज है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो चलिए एरिया हम फाइंड आउट करते हैं चतुर्भुज का। तो ये चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ए बी 9 सेंटीमीटर है, बी सी 14 सेंटीमीटर है, सी डी 13 है और ये है डी ए है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण कौन सा दिया हुआ? कोण डी ए बी, डी ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 90 डिग्री। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ए डी बी, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि दो भुजाएं यानी कि समकोण वाली दोनों भुजाएं क्या दी हुई है? 12 और 9। तो 12 और 9 का ट्रिपलेट क्या बनता है, यानी कि इसके साथ कर्ण क्या बनता है? 12 और 9 के साथ हमेशा बनता है 15 का। ठीक है, तो ये जो साइड आ जाएगी यानी कि ये जो भुजा आ जाएगी ये 15 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका तो हम आसानी से निकाल सकते हैं एरिया इस ट्रायंगल का ए डी बी का, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका तो निकाल लेंगे। लेकिन इस ट्रायंगल का हमें साधारण सूत्र से निकालना पड़ेगा जो कि हीरोन सूत्र होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाले से। ठीक है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं जो है फाइंड आउट हो गई। तो चलिए दोनों का निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए डी बी ट्रायंगल, ए डी बी की बात करें तो इसका क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हम इसका निकालते हैं ए वन मान लेते हैं, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा? एक ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 आधार इंटू लंब, तो 9 इंटू 12, तो ये आएगा 6 9 54। ये 54 आ गया ए वन यानी कि एरिया इस ट्रायंगल का आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल का। हमें इस ट्रायंगल का चाहिए बी डी सी का, तो बी डी सी त्रिभुज लें बी डी सी में। इसका हमने जैसे कि बताया इसमें सूत्र लगेगा एरिया इक्वल टू ए टू मान लेते हैं इसको, अंडर रूट, इसमें हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ एस क्या है? सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, तो उससे एस की वैल्यू निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, योग कर लेते हैं 15 13 हो जाएगा 28 14, ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा, यानी कि पेरीमीटर 42 आया। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 42/2 यानी कि 21, ये आ जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर। अब एस की वैल्यू रख देते हैं 21 इंटू एस माइनस ए, 21 माइनस ए कोई एक भुजा ले लेते हैं, 14 ले लिया हमने, दूसरी है एस माइनस बी तो 21 माइनस बी 13 ले लेते हैं सेकेंड भुजा, एंड थर्ड भुजा ले लेंगे 21 माइनस 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, 21 इंटू इसमें आ जाएगा 7 इंटू इसमें आएगा 8 और इसमें आएगा फाइनली 6। ठीक है, तो 18 निकाल लेते हैं। अब हमें जब ऐसा बन जाए तो कभी मल्टीप्लाई मत करना, इनका स्क्वायर बनाने की कोशिश करना। जैसे कि 21 को 7 इंटू 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, 8 को 4 इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है, और 6 को 2 इंटू 3 कर लेंगे। अब ये 3 के साथ 3 का बन जाएगा जोड़ा, इससे हम 3 बाहर कर लेंगे क्योंकि ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। 7 से 7 कब हो जाएगा? 7 कहाँ था?
सेवन इंटू थ्री कर लिया, ये सेवन, एक सेवन सॉरी यहाँ पे छूट गया तो सेवन रखना पड़ेगा, सेवन का सेवन से बन जाएगा, फोर का इस फोर से, टू इंटू टू फोर से, तो ऐसे निकाल लेंगे हम एक एक को। ए टू इक्वल टू सेवन, दो सेवन थे तो एक सेवन बाहर आएगा, थ्री थ्री भी टू टाइम्स थे तो एक थ्री आ जाएगा और एक फोर आ जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करें, सेवन इंटू थ्री 21 इंटू फोर 84 आ जाएगा, ठीक है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इस सेकंड ट्रायंगल का एरिया आ गया, दोनों के एरिया आ गए। तो एरिया ऑफ बेस, यानी कि बेस में जो हमारा था एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या था, ये जो चतुर्भुज था इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 54 प्लस 84, 54 इसका आया था ये, और 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आया, ठीक है दोनों के क्षेत्रफल आ गए थे, दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ बेस यानी कि बेस में जो आकृति थी उसका एरिया आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 80 50 पहले ऐड करेंगे तो 130 आएगा, 448 तो 138 सेंटीमीटर स्क्वायर, 138 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ बेस, यानी कि बेस में जो आकृति थी उसका एरिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, एच की वैल्यू निकालनी थी इस वॉल्यूम के फार्मूले में रख के। तो वॉल्यूम क्या दिया हुआ था हमारा, देख लेते हैं, वॉल्यूम हमारा दिया हुआ था 2070, तो वॉल्यूम की वैल्यू रख देंगे हम 2070 इक्वल टू एरिया ऑफ बेस 138 निकला इनटू एच, तो एच की वैल्यू हमें निकालनी है तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 2070 अपॉन 138, ये हो जाएगा, तो ये h इक्वल टू आ गया। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको देखिए दो से भी डिवाइड कर सकते हैं लेकिन पहले थ्री से देख, अगर थ्री से डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऐड सेवन टू नाइन कट जाएगा, एट थ्री इलेवन और वन ट्वेल्व, थ्री से यानी डिवाइड हो जाएगा, थ्री से कर लेते हैं फोर आएगा सिक्स आएगा, ये आएगा 690। अब ये देखिए कि ये 23 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 23 2 आएगा, 23 से 30 आएगा, फिर से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है तो ये आ जाएगी हमारी एच यानी कि हाइट आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो हाइट हमसे पूछी गई थी प्रिज्म की, तो हाइट हमने निकाल ली, हाइट निकालने की सॉरी हाइट नहीं पूछी गई थी, लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया था, अभी हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी, हाइट आ गई अभी हमारी 15 सेंटीमीटर, अब हाइट आ गई तो लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है पीओबी यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर कैसे आ जाएगा, सभी जो चारों भुजाएं दी हुई थी चतुर्भुज की उनका ऐड कर लेंगे तो 9 था 14 था तो 9 14 23 23, ठीक है और नेक्स्ट था 13 तो 36 और प्लस 12 48 तो 48 आ जाएगा पेरीमीटर इंटू क्या करना है ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई हमारी कितनी आई थी तो यहाँ आया है 48 इंटू 15 तो 48 इंटू 15 तो यह मल्टीप्लाई हमें फास्टली करना है तो हमने 15 का क्या 5 इंटू 3 लिख सकते हैं 48 5 का हमें क्या पता है ना भी लिखे तो हमें तो पता ही होता है 15 5 इंटू 3 होता है तो वहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो 5 का हमने क्या बताया था जस्ट हाफ एंड 0 अब इंटू 3 तो 3 का क्या होता है इसका 3 टाइम्स कर देंगे 72 0 720 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ठीक है ये आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया जिस प्रिज्म का हमसे पूछा गया था उस प्रिज्म का तो लेटरल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया था तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट तो हाइट हमें यहाँ फाइंड आउट करनी थी वॉल्यूम के फार्मूले से वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट तो एरिया ऑफ बेस हमें निकालना था जो कि एक चतुर्भुज दिया हुआ था बेस पे तो उस चतुर्भुज कि हमने चतुर्भुज से हमने चतुर्भुज का टोटल एरिया निकाल लिया एरिया ऑफ बेस और यहाँ से एच की वैल्यू निकली एच की वैल्यू रख के हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया तो ठीक है ये था इस प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये थे आज के प्रिज्म चैप्टर से हमने 5 क्वेश्चन लिए जिनको सॉल्व किया है तो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में इस अगले किसी टॉपिक पे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप तक अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे ही इस प्रत्येक चैप्टर के हम वीडियो बनाते रहेंगे मैथ के ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।